फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ बेनिफिट्स एंड DIY रेसिपीज बाय सोनाली को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 5 फ्लेवर की टेस्टी आइसक्रीम्स जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप इसे केवल 2 मिनट में बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत टेस्टी बनती हैं। ये आइस कैंडी बच्चों को हमेशा से पसंद आती हैं और आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें घर पर आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए इंस्टेंटली आप इसे तुरंत बना सकते हैं। बस इसे जमने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जैसे ही ये जम के तैयार हो जाए आप अपने बच्चों को खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है ये 5 तरह की टेस्टी आइसक्रीम। इसके लिए मैंने लिया है 1 आम जिसका मैंने पल्प निकाल कर उसका पेस्ट बना लिया है। दूसरा मैंने लिया है रसना, मैंने ऑरेंज फ्लेवर का रसना यूज़ किया है। रसना इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो आप इसे खरीद कर ला सकते हैं, या अगर आपके पास कोई भी कोल्ड ड्रिंक है या मिरिंडा है या फिर आप ऑरेंज जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ आधा कप रसना जूस लिया है। यहाँ मैंने 2 बड़ा चम्मच काला खट्टा लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसका ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे खरीद सकते हैं, नहीं तो आप इसे मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। और मैंने यहाँ लिया है 2 चम्मच रूअफ़ज़ा या रोज़ सिरप ले सकते हैं, और मैंने लिया है 2 चम्मच खस सिरप। ये भी अगर आपके पास ना हो तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और मैंने ये लिए हैं आइसक्रीम मोल्ड्स। अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी ग्लास में या किसी भी डिस्पोजेबल ग्लास में इसे जमा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने रसना जूस लिया है जो ऑरेंज फ्लेवर्ड का है, उसे हम डायरेक्ट इन आइसक्रीम कोन में डाल देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। मैं इसे स्टैंड में लगा रही हूँ। अब हम दूसरी आइसक्रीम बनाएंगे जो है काला खट्टा, इसे मैंने एक ग्लास में डाल लिया है। अब हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की हेल्प से। अब मैंने एक नीचे बाउल लिया है, उसमें रख के मैं इसे डाल दूंगी, जिससे अगर नीचे गिरेगा तो बाउल में ही गिरे। अब इसमें ऊपर से इसका आइसक्रीम स्टिक लगाकर इसे बंद कर देंगे और स्टैंड में लगा देंगे। अब हम तीसरी आइसक्रीम बनाएंगे, वो है रू अफ़ज़ा या रोज़ आइसक्रीम। मैंने रोज़ सिरप को भी ग्लास में डाल दिया है, इसमें भी हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाउल को नीचे रख के आइसक्रीम कोन में डाल देंगे और इसकी स्टिक लगाकर इसे स्टैंड पर रख देंगे। अब हम नेक्स्ट आइसक्रीम बनाएंगे, यानी चौथी आइसक्रीम बनाएंगे, खस की आइसक्रीम। फिर से ग्लास में खस का सिरप डाल देंगे। अब फिर से 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आइसक्रीम पॉप्सिकल में डाल देंगे। इसकी भी स्टिक लगाकर हम स्टैंड पर रख देंगे। अब हम लास्ट आइसक्रीम बनाएंगे, मैंगो आइसक्रीम। इसमें भी हम 1/4 कप पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे चम्मच से और इसे भी हम आइसक्रीम पॉप्सिकल में डालकर इसको भी स्टैंड पर लगा देंगे। अब हमारी सारी आइसक्रीम तैयार है। अब इसे सेट होने के लिए फ्रीजर में 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। 7 से 8 घंटे बाद ये जम कर तैयार हैं। देखिए ये कितनी प्यारी लग रही हैं और कितनी कलरफुल लग रही हैं। ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। तो घर पर इन 5 तरह की आइस कैंडी को आप आसानी से बना सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें कलर्ड भी बना सकते हैं, यानी आधा आधा जमा कर मल्टी कलर्ड का भी बना सकते हैं।
वो भी देखने में बहुत सुंदर लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप भी घर पर जल्दी से ये आइसक्रीम बनाइए और अपने एक्सपीरियंसेस मुझे शेयर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज और टिप्स देती रहूँ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे दिए वीडियोस को क्लिक कीजिए, आप वीडियो तक पहुँच जाएंगे।